मेरा नाम सुभाष चंद्र मौदगिल, रिटायर्ड प्रिंसिपल और बंगाणा डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अखिल भारतीय संत मत सत्संग से जुड़ने का मेरा लक्ष्य जो मुझे सामने हुआ था, पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का, वो था कि तन ते कर्म करो विधि नाना, मन राखो प्रभु कृपा निधाना। ये मैंने कहीं रामायण में कभी पढ़ा था और उसकी तलाश करते करते मैं डिफरेंट साधु संतों सन्यासियों और डिफरेंट संस्थाओं से खोज करते करते अंत में 1980 में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के जो उस वक्त संरक्षक थे परम पूज्य भाई साहब जी, उनके सानिध्य में पहुंचा और वहां पर जब ये शब्द पढ़ा दस्त बकार दिल बेयार, तो बिल्कुल वही लाइनें जो रामायण में लिखी गई थी, तनते कर्म करो विधि नाना, मन राखो प्रभु कृपा निधाना, वो पैरेलल में। तो उसका प्रैक्टिकली जब मैंने वहां पर ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट परम पूज्य भाई साहब जी ने उस वक्त उस वर्कशॉप में जो वहां पर अमृतसर में कंडक्ट की गई थी 1980 अक्टूबर में, वहां पर मुझे इसका बोध हुआ प्रैक्टिकली करने के बाद, और ये एहसास हुआ कि ये काम जो है आसानी से किया जा सकता है। और 1981 में मैंने इसके बाद जब कन्फर्म हो गया 6 महीने और रिसर्च करने के बाद, तो यहाँ पर मैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग में पूजा परम पूज्य भाई साहब जी से प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद फिर इस तरह से ये यात्रा हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली शुरू हो गई। 1982 में परम पूज्य भाई साहब जी उस वक्त रिवालसर में उनका चरण रज पड़ी, और रिवालसर में उस वक्त मैं लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था, तो साइंस का स्टूडेंट फिजिक्स का लेक्चरर होने के नाते हर काम जो था वो प्रैक्टिकली सिद्ध करने की एक हमें बीमारी थी। तो परम पूज्य भाई साहब जी वहाँ पर आए तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी बहुत सुंदर सी कि इस धरती में, रिवालसर की इस धरती में बहुत ही वाइब्रेशंस है जो कि प्रैक्टिकली हम पिछले 6 वर्षों से अनुभव करते थे। तब लगा हमें पता कि हरेक भूमि में वाइब्रेशन, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ज़बरदस्त वहाँ पर तपस्या की होगी, तो उसका प्रैक्टिकल अनुभूति जो थी वो परम पूज्य भाई साहब जी के उस प्रोग्राम के बाद शुरू हुई। और 1982 में परम पूज्य भाई साहब जी ने रिवालसर में जब वहाँ पर पधारे तो सत्संग सेंटर स्टार्ट करने की एक परमिशन दी, और सत्संग सेंटर स्टार्ट होने के बाद ये यात्रा जो थी हमारी इस तरह से चलती रही। और इस यात्रा के बाद आज तक ईश्वर की कृपा से एक के बाद एक अनुभूति प्रैक्टिकली जो सिद्ध होने के बाद विश्वास एकदम दृढ़ होता गया। बाकी ईश्वर कृपा करें, विश्वास में कमी ना आए, धीरे धीरे एक के बाद एक पुष्प जो और अखिल भारतीय संत मत सत्संग में जुटे गए, और वो पुष्प जो था इकट्ठा होकर आज अखिल भारतीय संत मत सत्संग की इस धरती के ऊपर लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल 800-900 के लगभग हमारे यहाँ पर सत्संगी भाई बहन जुड़े हुए हैं। बस वही जो सिद्ध की हुई चीज़ है, जब वो एक के बाद एक स्थिर होती गई और कन्फर्म होती गई, जब उसके कान ना जोड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हृदय को जो चीज स्पर्श कर जाती है, हृदय को स्पर्श करके प्रैक्टिकली अनुभूत होगी, तो उसको छोड़ने का तो फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अब किसी के थ्योरी की या किसी के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की हमको जरूरत नहीं रही, इस करके हम लगातार इस प्रक्रिया से जो है वो जुड़े रहे। बिल्कुल, बहुत से ऐसे जीवन के अनुभव हुए जिनको शेयर करने के लिए मैं आपको एक जस्ट बताता हूँ कि जब मैं इस रास्ते की खोज में था कि मुझे कोई एक गाइड मिले, गुरु मिले, तो उनके मिलने से 2 वर्ष पहले 1980 में मैं प्रथम टाइम मिला, तो 1978 में उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक ब्रिजमोहन वचनामृत मेरे एक मित्र ने रिवालसर में मुझे दी, और उस पुस्तक में उसने ये कहा, मेरे मित्र ने ये कहा कि ये किताब है या कंपोज की गोली की, मैं 10 दिनों से इस किताब को पढ़ रहा हूँ और केवल 10 पेज आज तक पढ़ पाया, और 11वां पेज मेरे से नहीं पढ़ा जाता, ये पता नहीं क्या है सुभाष भाई, तो ऐसा करो कि आप पढ़ो और मुझे बताओ। तो वो किताब मैंने पढ़ी, पढ़ने के उपरांत मुझे जब पहली कोई लाइन, जब भी वो कुछ नया चैप्टर शुरू होता था तो उस लाइन लिखी होती थी कि परम पूज्य दादाजी महाराज कमरे में पधारे और सारा कमरा शांति से ओतप्रोत हो गया, तो मैं समझता था ऐसा कौन सा गृहस्थी संत है जो जिनके वहाँ पर आने से ऐसी जैसी अवस्था हो गई। अब
क्योंकि मैंने तो बहुत सारे संत महात्मा डिफरेंट जो महात्मा उनके साथ संगत की हुई थी, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मिला था, सिवाय इसके कि कुछ ऐब जो थे वो मेरे बढ़ गए थे, जैसे सुल्फे का पीना, भांग का पीना, डिफरेंट महात्माओं की संगत में रहते हुए जो थे वो, तो उससे तो शांति जरूर मिलती थी, परंतु नेचुरल वे में शांति जब ये शब्द पढ़े तो बड़ा अपील किया। दो वर्ष उपरांत तो मैंने वो पुस्तक जो थी बार बार पढ़नी, और एक दिन सोचा कि पत्र लिखूं कि अगर इस सिलसिले का कोई संत या आज गद्दी के ऊपर जैसे अखाड़े होते हैं कोई विद्यमान हो तो उनसे संपर्क किया जाए। तो रिजल्ट ये हुआ कि वो पुस्तक मेरा एक मित्र और जो था वो ले गया था, उसने वापस कभी नहीं की। अब पब्लिशर कौन था, ऑथर कौन था, ये सब भूल गया, पर सिर्फ वो पेजेस के ऊपर जो लिखी हुई लाइनें थी वो एक एक करके मुझे याद थी। परम पूज्य भाई साहब जी अक्टूबर महीने में अमृतसर आए, गुप्ता जी के घर में सत्संग था, केवल 20-25 आदमी वहां पर रहे होंगे सत्संग में। अब जब मैं प्रथम टाइम उनसे लुधियाना में मेरे ख्याल रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला, तो उनकी वो दिव्या मूर्ति मैंने दो वर्ष पहले स्वप्न में मेरे ईष्ट ने मुझे बताया था कि ही विल बी योर गुरु, क्योंकि उस वक्त मुझे भी संन्यास में भागने की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। पर जैसे ही मैंने रात को सोकर ये संकल्प करके उठा कि सो उठकर मैं जो है इस तरह से बस पकड़ूंगा नियर चौक जाकर, जिसकि वहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ जो थी वो मुझे परमिशन नहीं दे रही थी संन्यास में जाने के लिए। तो जैसे ही मन में इच्छा हुई, हमारे ईष्ट देवता श्री श्री हनुमान जी महाराज ने डायरेक्शन दी, खबरदार जंगल में जाने की कोशिश की ता जिंदगी भटकते रहोगे। तो इस काम के लिए दो चीजें अति आवश्यक है, एक तो धर्मपत्नी तुम्हारी ये होगी जिसके उन्होंने चित्र चिन्ह और लक्षण बताए थे और कितनी दूरी के ऊपर है, और दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई ये आपके गुरु होंगे। तो गुरु की दिव्या मूर्ति मैंने अपने स्वप्न में देखी थी, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक दो वर्ष पहले वो मैं पढ़ चुका था। अब जैसे ही हम वहां पर भाई साहब जी के संपर्क में आए अमृतसर सत्संग में, तो परम पूज्य भाई साहब जी ने दूसरे दिन मेरे पास वो किताब रख दी, बेटा देखो यार ये किताब जो है ये कहीं आपने पढ़ी तो नहीं है। अब जब जैसे पहला पेज पढ़ा मैं, परम पूज्य भाई साहब जी ये किताब दो वर्ष पहले मैंने पढ़ी है, तो उन्होंने फर्स्ट पेज ही उसका पढ़ा था क्योंकि इम्प्रेशन मेरे दिमाग पर उसका पड़ा हुआ था। तो साहब जी ने बोला कि बेटा ये पुस्तक जो ब्रिजवान बचनामृत है ये इस सेवक ने अपने सदगुरु देव के प्रवचनों को लिपिबद्ध करने का एक प्रयास किया था, और मेरे सदगुरु देव ने मुझे आज्ञा दी थी कि इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करो। तो यो जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने कोई किसी जगह भी प्रवचन किए हैं या मेरे अपने अनुभव में जो चीजें उतरी हैं उन सब बातों का यहाँ संकलन किया गया इस पुस्तक में, तो ये दो वर्ष। तो मैं रोता रहा बड़ा भारी उस वक्त जब साहब जी से मिला, इतने अश्रु धारा आती थी। तो तब वहां से कन्फर्म हुआ कि ही इज माई गाइड, ही इज माई एवरीथिंग। तो वहां से बदलने का अखिल भारतीय संतमत सत्संग से दूर जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। इतनी ओपननेस मैंने अर्ज किया पहले कि मैं बहुत सिस्टम बड़ी जगह गया, कोई भी पूजा करने के रहस्यों को सबसे पहले कभी नहीं बतलाता, सब पहले कहते हैं कि दीक्षा लो, आप हमारे साथ जुड़ो, उसके बाद फिर हम आपको जो है वो बताएंगे टेक्निक। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी ये हालत थी, अश्रु जो थे क्योंकि आई वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग, और वो जब मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे सबसे पहले परम पूज्य भाई साहब जी ने वहाँ प्रवचन में बताया कि किस तरह से पूजा करनी है, जो साकार और निराकार। तो जब एनालिसिस किया तो संसार ऐसा लगा कि ये यूनिवर्सल मेथड है, अखिल भारतीय संतमत सत्संग की पूजा की पद्धति यूनिवर्सल मेथड है, जो हर रिलीजन कलर कास्ट एंड क्रीड के सब डिफरेंट लोगों के लिए बिल्कुल एकदम स्टीक और सत्य सिद्ध है। और सबसे पहले बड़ी मजेदार बात जो मुझे लगी वो उन्होंने बताया कि ये पूजा की पद्धति जो है किस प्रकार से ध्यान को एकाग्र करना है, जबकि किसी भी जगह जहां मैं गया किसी ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हृदय के ऊपर अपने इष्ट का ध्यान कैसे करना है। ये जब पता लगा कि हमारे मतलब सिस्टम के सिवा आज तक, क्योंकि पहले भी मैं कई जगह गया था, किसी ने कभी बताया ही नहीं, तो लगा कि इट इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली एन ओपन सिस्टम, यहाँ पर कोई सीक्रेसी नहीं रखी जाती है। दूसरी बात, हर जगह मैं ये एक चीज ऑब्जर्व की थी कि वहां धन की लालसा के लिए या धन की मतलब जो थी डिमांड होती थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पर मैंने बड़ा ही विचित्र सा लगा कि यहाँ देते हैं लेते कुछ नहीं,
तन से भी देते हैं, मन से भी देते हैं और धन से भी देते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट थी, तो एक सिंगल पैनी भी वहाँ पर कोई चार्ज नहीं की गई। तो इससे बड़ा लगा कि ये वाकई विचित्र सिस्टम। तो इस सिस्टम को देखते हुए जब अभ्यास करना शुरू किया, तो अभ्यास करने के बाद सारे जो थे अपने डाउट्स, कोई भी डाउट्स ऐसा नहीं रहा जो प्रैक्टिस प्रयोगात्मक करने के उपरांत कोई बाकी बचा हो। तो अब जब प्रयोगात्मक रूप से जब प्रैक्टिकली करके ये ऑब्जर्वेशन की, तो अब इससे कहीं दूर जाने का या कुछ और सोचने का तो मन में पैदा ही नहीं होता। जब परफेक्ट सिस्टम जीवन में कोई मिल जाए, क्योंकि परफेक्शन ही इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। 24 आवर साधना जब जैसे व्यक्ति की होती जाती है, तो उसके जीवन में परफेक्शन भी ऑटोमेटिकली आती जाती है। परफेक्शन जैसे बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता गया। मैं खुद जब इस रास्ते पर चला, तो मुझे अपने दोषों को देखने का सबसे ज़्यादा मौका मिला। मुझे अपने दोष ही जो थे वो नज़र आने शुरू हुए, इतने दोष नज़र आने शुरू हुए कि दूसरे के दोषों की तरफ मुझे झांकने का मौका कम ही मिलने लगा। परंतु जैसे इससे कभी कभार, क्योंकि कट ऑफ होता हूँ, तो फिर जरूर है दूसरों की निंदा या चुगली करने में बड़ा आनंद आना शुरू होता है। तो एकदम पता लगता है कि मैं अपनी साधना में कहीं से डिरेल हो रहा हूँ, क्योंकि दो चीज़ें हमें जो है वो इस रास्ते से दूर करती हैं। नंबर एक नींद, मेरे अपने जजमेंट से नंबर एक नींद, नंबर दो निंदा, दोनों ना से शुरू होती हैं। निंदा और नींद से अगर हम बच सकें, तो मैं कहता हूँ कि एवरीबडी whosoever will come, he can move on the path of a perfection definitely, and definitely the day he joins the Akhil Bhartiya Santmat Satsang. Hari Om.